जय हिंद साथियों, मैं हूं सुप्रिया। आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत की बेटी पर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूं आप सब अच्छे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है PMT, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो कि RPF कांस्टेबल और SI के लिए। RPF कांस्टेबल और SI का PMT का जो है वो सेम होता है। आज हम PMT के बारे में बात करेंगे, एज कितना होना चाहिए RPF कांस्टेबल के लिए और SI के लिए, और एज रिलेक्शन किस किस को कितने साल का मिलता है, उस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PMT, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, RPF SI और कांस्टेबल के लिए। जो जनरल और OBC कैटेगरी में आता है उनके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, और जो कि चेस्ट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का नहीं लिया जाता, मेल कैंडिडेट का 80 और 85, मतलब चेस्ट फुला के और बिना ऐसे ही 80 सेंटीमीटर और चेस्ट फुला के 85 सेंटीमीटर। फिर से बता दे रही हूँ, जो जनरल और OBC में आता है मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है वह 80 और 85। ठीक है, अब आते हैं हम लोग SC ST के लिए। SC ST के लिए जो मेल कैंडिडेट होता है उनके लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, और इनका जो चेस्ट है वो है 76.02 और 81.02। आप लोग नोट कर लीजिए, उस हिसाब से अपना तैयारी कीजिए, ओके। और फिर जो बाकी जो होता है, जैसे दूसरा जो गोरखास होता है, आसामीज होता है, मराठी होता है, डोगरा होता है, एंड अदर कास्ट जितना होता है, तो उनके लिए आता है मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 163 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर है। इनका चेस्ट है 80 और 85, ओके। फिर से बता दे रही हूँ, जो गोरखाज है, जो मराठाज है, जो डोगराज है और अदर जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है वो 80 और 85। फिर दूसरे चीज में आते हैं, जो हम आपको बताए थे, जो कांस्टेबल, आप कितने एज के अगर हो तो आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो है कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और SI के लिए एज रिक्वायरमेंट्स है 20 से 25 साल तक, ठीक है। जैसे कि बहुत दिनों से फॉर्म नहीं निकला है, पता नहीं, क्या पता एज रिलैक्सेशन दे या नहीं दे, हो भी सकता है कि दे, इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। और अब आता है एज रिलैक्सेशन में, क्या एज किस किस को एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है। जो SC ST कैटेगरी में आता है उनको 5 साल की छूट दिया जाता है। फिर से बता रहे, जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट है, जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट है, और जो PWD के हैं उनको 10 साल की छूट है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, हम मन से दिल से चाहते हैं कि आप लोग सफल हो, सब तैयारी अच्छे से कीजिए कि आप लोग सब एग्जाम भी क्रैक कर पाए और आप लोगों को नौकरी भी लग जाए। जय हिंद, जय भारत।